हेलो दोस्तों, देखिए बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ के मुकाबले जो झड़प हुई, जो चीजें हुई, बिल्कुल घटित नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक घटना हुई। लेकिन ये जो बात हुई है विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर को लेकर, मैं कहता हूँ कुछ ये छुपी है, वो है नवीन उलहक। नवीन उलहक का जो पास रिकॉर्ड बहुत बुरा रिकॉर्ड है, बदतमीजी के लिए जाना जाता है और सभी खिलाड़ियों से बदतमीजी करता है, चाहे वो विकेट लेने के बाद बदतमीजी करे या चौका छक्का मारने के बाद बदतमीजी करे। किसी को बल्ला दिखाता है, किसी को माँ की गाली देता है, किसी को बहन की गाली देता है और तमाम चीजें इस तरह चीजें करता है। आपको एक वाक्या याद होगा, अभी शाहिद अफरीदी के साथ लंका प्रीमियर लीग में जिस तरह भिड़ा, वहां शाहिद अफरीदी समझाने का प्रयास किया लेकिन शाहिद अफरीदी को भी आग दिखाने लगा, वो आग दिखाने लगा। और कल के जो दृश्य था उसमें ये लगा कि विराट कोहली का जो मैच खत्म होने के बाद जब हैंड शेक होने लगा, वहां पर विराट कोहली का हाथ झटका है, उसने साफ लग रहा है कि ऐसे किया, हाथ मिलाने के बाद ऐसे किया है। ऐसे यार मतलब कि समझ नहीं आ रहा नवीन लुक तुम्हारी औकात क्या है और तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये समझ से बाहर है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली, आपने कहा कि विराट कोहली जूता दिखाया है, उसके पहले आपने क्या किया इसको बताइए, पहले आपने क्या किया इसको बताइए। आप किसको बल्ला दिखा रहे थे, किसको आप आंखें माखे डाल के बात कर रहे थे, किसको घूर रहे थे, इसको भी बताइए आप। उसके बाद देखिए मोहम्मद आमिर के साथ जिस तरह विवाद हुआ नवीन उलहक का, वहां भी बहुत ज्यादा बदतमीजी किया नवीन उलहक ने। उसके बाद देखिए एशिया कप 2022 में आसिफ अली के साथ यहां तक मारपीट की नौबत आ गई थी, वहां भी बहुत बदतमीजी किया आसिफ अली के साथ। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद एक वाक्या और हुआ, जब ऑस्ट्रेलियन टीम अफगानिस्तान आने वाली थी ओडीआई खेलने के लिए, वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने यह कहा कि अभी मैं दौरा स्थगित करता हूं, उसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया को खरी खोटी सुनाया था नवीन उलहक ने। तो नवीन उलहक का जो कैरियर है, अभी 2016 में ये डेब्यू किया था, वहां से लेकर अभी तक इनका कैरियर काफी विवादों में घिरा रहा है। बदतमीज क्रिकेट है ये, बदतमीजी इस तरह स्पोर्ट्समैन मतलब कि स्पोर्ट्स में बदतमीजी नहीं चल सकती है। देखिए 50% फीस उनका मैच रेफरी ने काटा, मुझे बिल्कुल खराब लगा। आपने विराट कोहली का 100 करना, गौतम गंभीर का 100 करना समझ आता, लेकिन आपने नवीन उलहक का आपने 50% क्यों काटा। और मैं कहता हूं आईपीएल इसको बैन लेना चाहिए, बिग बैश लीग में भी इसने मारपीट की है, पीएसएल के मुकाबले भी मारपीट की है, यह बंदा खेलने लायक नहीं है। और दूसरी बात यह बदतमीज है, और ऐसे बदतमीज इंसान का क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में इसकी कोई जगह नहीं बनती। ऐसे जेंटलमैन गेम को यह दूषित करने आया है, दूषित करके ही रहेगा यह। कल जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए आपस में एक दृश्य हुआ जहां पर के राहुल नवीन उलहक को बुला रहे थे कि विराट कोहली से आगे बात करो, वहां भी वो ऐसे करता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या नवीन उलहक जैसे खिलाड़ी जिसकी कोई औकात नहीं है। आईपीएल अब तक आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, आपको मौका मिला खेलने के लिए, आपका सौभाग्य है। आप अफगानिस्तान के और भी खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान के राशिद खान हो गए, मोहम्मद नबी यार, इन सबको को बहुत कूल रहते, काम रहते हैं। आज तक कभी सुनने नहीं आया कि राशिद खान ने विराट कोहली कुछ कह दिया या तो सीनियर खिलाड़ी की रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसा बिल्कुल सुनने नहीं आया। विराट कोहली का एक एग्रेशन है, वो हम जब से मैच खेला स्टार्ट तब से उनका एग्रेशन दिखने को मिल रहा है, और उनका एक तरीका है सेलिब्रेट करने का। वो केन विलियमसन आउट होंगे तो भी करेगा, वो चाहे आप स्टीव स्मिथ होंगे तभी करेगा, जॉस बटलर होंगे तो भी करेगा, बेन स्टोक होंगे कोई भी होगा वो इसी तरह सेलिब्रेट करेगा। फिर बाद चाहे रोहित शर्मा आउट होंगे, चाहे महेंद्र धोनी होंगे, कोई भी होगा उसी तरह सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि उसका तरीका है, उसका एक पैशन है, एक एनर्जी है, एक इंटेंसिटी है जो मैच में लेके आता है, जो देख के क्राउड जिस तरह क्राउड इंजॉय करती है। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो क्राउड इंजॉय नहीं कर पाएगी, ये चीज बात की मानने वाली बात है। आज जो क्राउड पुलिंग विराट कोहली करता, क्या कोई और कर सकता है क्या, मैं आप बताइए कोई और कर सकता है क्या। जिस तरह से कल बरसात होने के बाद भी क्राउड बैठी रही लखनऊ की स्टेडियम कारण स्टेडियम, जहां पर विराट कोहली देखने के लिए और के राहुल के मुकाबले देखने के लिए बैठी, वहां पर मुकाबला धुंधला सा पड़ गया, क्योंकि इस तरह इतनी शर्मनाक घटित हुई जिसको लेकर बहुत बुरा चीज हुआ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अब चैनल के माध्यम नवीन उलहक को बैन करना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिली है, जिसके वजह से कभी किसी और सीनियर खिलाड़ी से बदतमीजी नहीं कर सकी है, क्योंकि विवाद में फंसा रहा है और उसका पूरा करियर विवाद में रहा है इसका करियर। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन ऊपर से ख्याल रखिए और मिलते हैं वीडियो में, बैठ के जय हिंद जय भारत।